यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे साथ प्रकाश बजाज हैं और अभी अखिलेश यादव से मुलाकात करके निकले हैं। प्रकाश जी, अखिलेश जी से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि निराश मत होना, ऐसी मुश्किलें ऐसी चीजें आती रहेंगी आगे और हमको उसको फाइट करना है। और उन्होंने मुझे एज ए इंडिपेंडेंट सपोर्ट किया था क्योंकि उनको यूथ चाहिए था पॉलिटिक्स में। और तो उन्होंने बस उत्साहवर्धन किया और बोला कि निराश मत हो और डेफिनेटली यदि इलेक्शन होता तो आप सबको पता है कि जीत मेरी सुनिश्चित थी। इस इलेक्शन को बचाने के लिए बीजेपी के भी विधायक आपके संपर्क में थे, बीजेपी के भी विधायक थे आपके संपर्क। पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि यूथ आए, बट अब देखिए जब चुनाव होता तब पता चलता कि कौन है कौन नहीं है। डेफिनेटली चाहे बीजेपी के हो चाहे किसी भी और पार्टी के हो, थे आपके संपर्क में, थे आपके संपर्क, जो भी चाहते थे कि यंग पॉलिटिशियन आए। थे या नहीं थे? भाई देखिए ऐसा है आपके फादर कह रहे हैं कि आपने दो सेट में नामांकन दाखिल किया था लेकिन वहां पर तो एक ही सेट। हाँ, हमने दो सेट में किया था और उसका हमारे पास एविडेंस भी है। हमने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आरओ ऐसा काम करेंगे और जब हम सुबह स्क्रूटनी थी और जब वो एक ही फॉर्म को कंसीडर कर रहे थे तो हमने ऑब्जेक्शन रेज किया कि हमारा दो सेट किधर है दूसरा, जिसका हमारे पास कुछ कागज भी आपको दिए उन्होंने कोई हाँ वो नहीं हमारे पास एविडेंस है क्या करना है क्या नहीं। ये नहीं सब बता दीजिए क्योंकि देखिए जितनी मीडिया ने आपकी मदद की है उसने फिलहाल किसी ने नहीं की। देखिए मीडिया डेफिनेटली मीडिया क्या है, एक चौथा स्तंभ है। हम चाहते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंस रहे, जो भी करना है एकदम। तो हाई कोर्ट जाएंगे डेफिनेटली, हम इवैल्यूएट करें और हाई। लेकिन सवाल ये कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है तो अपील इलेक्शन कमीशन में होती है। इलेक्शन कमीशन भी हम जाएंगे, हम अपनी एप्लीकेशन देंगे। देखिए जो मैंने आपको क्या बोला, जो जो मेरे पास राइट्स होगा हम सब उसको इवैल्यूएट करके इन्वोक करेंगे। के तहत आपका नामांकन खारिज। देखिए जिस पॉइंट को मैं उन्होंने रेज किया था और मैंने जो अपना जस्टिफिकेशन दिया विद जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर रेगुलेशंस, उसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी साजिश है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि सरकार की है कि नहीं है, ये सही नहीं होगा मेरे लिए। आपने सुना ये प्रकाश बजाज साफ तौर पर कह रहे हैं कि साजिश हुई है, किसने ये साजिश रची इसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन इतना जरूर वो कह रहे हैं कि उन्होंने दो सेट नॉमिनेशन के फाइल किए थे, एक सेट उनका गायब हो गया। आरोप पर आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी जाने की बात वो कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जो ये चाहता था कि युवा राजनीति में आ गया है, यानी बीजेपी के भी कुछ विधायक उनके संपर्क में थे। उनके पिता ने ये साफ किया है कि बीजेपी के भी कुछ विधायक उनके संपर्क में जरूर थे और ये बड़ी बात है कि आखिर कौन बीजेपी के वो विधायक हैं जो प्रकाश बजाज के संपर्क में थे। फिलहाल अब प्रकाश बजाज कोर्ट जाने की तैयारी में है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनका नॉमिनेशन इनवैलिड ना दिया जाता तो इस चुनाव में उनकी जीत होती। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।